तो बड़ी खबर रायपुर से बता दें कि साय मंत्रिमंडल में जो दो पद रिक्त हैं उसे जल्द ही भरा जाएगा। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद मंत्री का एक पद खाली हो गया है और पहले से ही एक पद खाली था जिसको भरने की कवायद अब तेज हो गई है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल में दो सदस्यों को शामिल होने की चर्चाएं हैं जिसको लेकर सीएम राज्यपाल से आज मुलाकात करने वाले हैं। बता दें कि दो मंत्रियों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं जिसमें गजेंद्र यादव जो विधायक हैं दुर्ग से शहर से उनका नाम तेज़ी से चल रहा है, साथ ही साथ जो कुरुत के विधायक हैं अजय चंद्राकर उनको भी मौका मिलने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ फहरिस्त लंबी है। बता दें कि इसमें जो गजेंद्र यादव हैं उनका नाम पहले नंबर पर आ रहा है, वहीं दूसरे नंबर पर कुरुत के विधायक जो हैं अजय चंद्राकर उनके नामों की चर्चा है, साथ ही साथ राजेश मूणत पुरंदर मिश्रा के भी नामों की चर्चा है, बिलासपुर बिलह से धर्मलाल कौशिक के भी नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि ये सब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है जिसको लेकर साय आज राज्यपाल से 11 बजे मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद साय कैबिनेट में दो मंत्रियों के जो पद रिक्त हैं उसे भरे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद मंत्री का एक पद खाली था, साथ ही साथ एक पद पहले से ही खाली था, तो इसी को लेकर आज सीएम साय राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं जिसके लेकर सत्ता के गलियारों में चर्चाएँ तेज हैं। इसमें कई मंत्री बनने के में कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इसमें राजेश मूणत का भी नाम शामिल है, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव, रायपुर से ही पुरंदर मिश्रा का नाम उभर कर सामने आ रहा है। तो साय मंत्रिमंडल में जो दो पद रिक्त हैं उसको जल्द ही भरे जाने की कवायद शुरू हो गई है जिसको लेकर सीएम साय आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक इन पांच नामों की चर्चा तेजी से चल रही है जिनमें इनमें से किसी दो को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।